नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। मतदाता जागरूकता के लिए प्रदेश भर में स्वीप अभियान के तहत कार्यक्रमों के आयोजन सिलसिलेवार जारी है। इसी संबंध में रीवा में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी रीवा संवाददाता। मतदाता जागरूकता हेतु जिले में स्वीप अभियान के तहत कार्यक्रमों के आयोजन सिलसिलेवार जारी हैं। इसी संबंध में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में ये बाइक रैली जिला प्रशासन, कृषि तथा आयुर्वेद महाविद्यालय और सहकारी समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी, प्राध्यापक गण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मतदान संबंधी विभिन्न स्लोगन एवं नारों के बैनर लिए ये रैली शहर के पड़रा, ढेकहा एवं जय स्तंभ चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रैली में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उन्हें अपने पड़ोसियों, परिवारजनों और अन्य लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया। प्रादेशिक समाचार के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। छिंदवाड़ा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा उपचुनाव भी होना है। शत प्रतिशत मतदान के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से अनोखे फैशन शो का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता। लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव में संपूर्ण मतदान करने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से बीती रात स्थानीय दशहरा मैदान में अनोखे फैशन शो का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा किसान संपूर्ण मतदान की तर्ज पर आयोजित हुए इस फैशन शो की खास बात यह थी कि रंग बिरंगे आकर्षक रैंप पर चलकर दिव्यांगों, किन्नरों, बच्चों और वरिष्ठजनों ने अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में ईवीएम और वीवीपैट मशीन के मॉडल बनाकर रखे गए थे, ताकि किस प्रकार मतदान करना और वीवीपैट मशीन में इसे कैसे देखा जा सकता है बताया गया। वहीं रैंप के पास मील का पत्थर बनाया गया था, जिसमें मतदान दिनांक 29 अप्रैल लिखा हुआ था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही मतदान की तारीख को बार बार याद दिला रहा था। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। शिवपुरी जिले में लोकसभा चुनाव के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाताओं को जागरूक करने का काम विभिन्न तरीकों से जारी है। स्थानीय बोली के गाने गाकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग के कला पथक दल के कलाकार भी मतदाताओं को अपने मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिवपुरी सामाजिक न्याय विभाग के कला पथक दल के कलाकारों ने स्थानीय बोली के हिसाब से यहाँ पर चलने वाले गाने बनाए हैं, जो मतदान से संबंधित हैं। इन कलाकारों ने बताया कि वे गांव में जाकर लोगों को उनकी भाषा में ही गाने सुनाते हैं और अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करते हैं। जिस स्थान पर ये कलाकार एकत्रित होते हैं, तो यह गाने स्थानीय बोली में होने के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं और बड़ी संख्या में लोग स्कूल, आम रास्तों, चौराहों, पंचायत भवन या कोई अन्य स्थान पर जुट जाते हैं। अपने इस अभियान के बारे में कला पथक दल के कलाकार हरिवंश त्रिवेदी ने बताया कि हम गांव-गांव में जाकर, शहर में जाकर, विशेषकर जो हमारी महिला दीदियां हैं, मतदाता दीदियां हैं, उनके लिए ये कह रहे हैं कि वो अनिवार्य रूप से 12 मई को वोट करने जाएं और उनके साथ साथ में उनके घर के जो सदस्य हैं, परिवार के जो फैमिली के मेंबर हैं, उनको भी अनिवार्य रूप से वोट कराएं। और इस तरह का ये पूरा समूह है ना, हमारा महिला समूह, वो सब भी इस बात का प्रचार प्रसार कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में गाने गाने के लिए आयो अब चुनाव को मौको वोट तू कर ले ला नूरिया, आयो अब चुनाव को वोट तू कर ले ला नूरिया। दूसरा हमारा गीत है आयो आयो रे, आयो आयो रे चुनावी त्योहार। तो ये थे हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता, जो बता रहे थे किस तरह से अलग अलग माध्यमों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। और अब संसदीय क्षेत्र सीधी पर पेश है हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। संसदीय क्षेत्र सीधी मनीषियों की तपोस्थली रहा है। विश्व प्रसिद्ध बीरबल की जन्मस्थली रही सीधी का प्राचीन नाम सिद्ध भूमि के नाम से
विख्यात रहा है। वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर 8 विधानसभाओं को शामिल किया गया है। सीधी जिले की 4 विधानसभा सीट चुरहट, सीधी, सिहावल, धवनी व सिंगरौली जिले की चितरंगी, सिंगरौली, देवसर सहित शहडोल जिले की ब्यौहारी विधानसभा को मिलाकर संसदीय क्षेत्र सीधी का गठन किया गया है। यहाँ पर वर्तमान समय में सभी 8 विधानसभाओं को मिलाकर 2377 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर 18,32,267 से अधिक की संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। समूचे लोकसभा क्षेत्र में 9,57,395 पुरुष मतदाता जबकि 8,72,845 महिला मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी रहेगी। हमारे सीधी संवाददाता सचेंद्र मिश्रा ने सीधी के लोगों से भी बातचीत की और इस लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे खास होने वाले हैं उस पर उनकी राय जानी। मैं पुष्पराज द्विवेदी बेरोजगार के लिए भटक रहा हूं। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम लोग अपने आवेदन कई जगह किए और इस आवेदन करने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला। पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हम भटक रहे हैं। इस सीधी लोकसभा क्षेत्र में बेरोजगारी की इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, हजारों बेरोजगार युवा भटक रहे हैं जो कि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्रा ने सीधी जिले के किसान महेश सिंह से बात की। सीधी सिंगरौली का जो मुख्य समस्या है वो है रोजगार। जब रोजगार होगा, लोग दो पैसा कमाएंगे तो मार्केट बढ़ेगा, बाजार बढ़ेगा, खरीदारी बढ़ेगी, लोग अपना विकास करेंगे, पर ये चीज़ें हो नहीं पा रही। हमारे यहाँ कृषि पुराने पद्धति से ही हो रही है, आधुनिकीकरण की तरफ सोचा ही नहीं गया। पुराने किसान हैं, पुरानी पद्धति से कर रहे हैं, जिससे उनको बहुत घाटा हो रहा। हमारे संवाददाता ने सीधी लोकसभा क्षेत्र के एक वकील उमेश तिवारी से भी चुनावी मुद्दों को लेकर बातचीत की। सीधी में रेल निर्माणाधीन कार्य है जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। सीधी जिले को रेल लाइन की विशेष आवश्यकता है और सीधी जिले में जो है तो ला कॉलेज काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीण स्तर के लोग जो हैं तो ला करने से वंचित हो रहे हैं। जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है वो ला की शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो रहे हैं, इसलिए ला कॉलेज प्रमुख रूप से सीधी जिले का चालू होना चाहिए। कलेक्टर और सीधी जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह से भी हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्रा ने बातचीत की। सीधी जिले में कुल 1206 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदाता भाइयों से मेरा अनुरोध है, सभी मतदाता बहनों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना बहुमूल्य मतों का उपयोग करें और राष्ट्र के इस महायज्ञ में अपनी भागीदारी करें। हमारा पूरा प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ, तन्मयता के साथ लगा हुआ है। जितने प्रकार की सुविधाएं मतदान केंद्र पर होनी चाहिए, चाहे वो छाँव की हो, चाहे पानी की हो, उन सब की व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो खास ये है कि इस बार केवल मतदाता पर्ची से मतदान नहीं होगा, आपको अपने साथ 12 परिचय पत्रों में से एक परिचय पत्र जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि ले आना पड़ेगा। हम सभी लोग इस महायज्ञ के भागीदार बने और स्वीप में हम लोग बहुत अच्छा कार्य करें, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं और आने वाले दिनों में हम अपने ज़िले में 75% से अधिक वोटिंग करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शहडोल जिले के सभी 391 ग्राम पंचायतों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना तैयार की गई है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे शहडोल संवाददाता। इस योजना के तहत हर पंचायत में 500 से अधिक की आबादी पर 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक घर में डस्टबिन रखा जाएगा, कचरा संग्रहण के लिए सेट बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद कार्ययोजना को फील्ड में लागू किया जा सकता है। जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी GST काम ने बताया कि नई कार्ययोजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वालों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाना है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और ग्रामीण परिवेश को स्वच्छ रखना है। इसके साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट के पुनः चक्रण, पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण निर्धन वर्ग के लिए रोजगार सृजित करना है। अपशिष्ट प्रबंधन के तहत पंचायतों में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। पंचायतों में जहां आबादी 300 है वहां 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह 300 से 500 की आबादी पर 15 लाख रुपए खर्च होंगे। 500 से के अधिक की आबादी पर
₹20 लाख खर्च किए जाएंगे। गांव में गोबर गैस संयंत्र, कंपोस्ट पीस्ट, वर्मी कंपोस्ट पिट, कूड़ादान, सोखता पीट और निकासी नाली का निर्माण होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। खंडवा जिले में गणगौर पर्व परंपरागत तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता। निमाड़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मनाए जाने वाले महापर्व गणगौर की धूम दिखने लगी है। श्रद्धा, सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक गणगौर पर्व शहर एवं ग्रामों में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम होलिका दहन के स्थान से होली की जली राख से बिना थापे बने कंडे एवं 5 कंकर की गौरा माता घर लाई गई। उसी अनुरूप छोटी छोटी टोकरियों में 4 देवियों के स्वरूप, 4 में गेहूं के जवारे एवं बच्चों के स्वरूप छोटे छोटे दीपकों में सरावले बोए गए एवं 1 बड़े टोकने में मुलई राजा बोए गए। चारों देवियों एवं सरावले व मुलई राजा के जवारे का नित्य अति शुद्धता पूर्व पूजन एवं सिंचन कमरे में किया जा रहा है। इसी माता की वाड़ी में प्रतिदिन शाम को कई स्त्रियां धार्मिक भावना से चारों माता, विष्णु राजा की पत्नी लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी की सईदबाई, शंकर जी की गौरबाई एवं चंद्रमा जी की रोहणबाई के गीत मंगल गान के रूप में गाए जा रहे हैं। सायंकाल सभी रथों को खुशी प्रकट करने हेतु झालरिया गीत गाए जा रहे हैं। 9वें दिन माता की मान मन्नती वाले परिवार रथ बौड़ाकर या पंचायत द्वारा माता को पावनी लाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लुंगरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार रात 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा और दीपा सिंह, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।